सत श्री अकाल जी, आप सबका जेके रसोई में स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज स्टफ कटलेट। एक बहुत अच्छे बनते हैं, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। एक बार आप जरूर बनाकर देखना, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक। के लिए हमें आलू चाहिए, आलू, मटर, गाजर, गोभी, प्याज, हरा धनिया, अदरक बारीक बारीक काटकर, हरी मिर्च, नमक एक चम्मच, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला, जीरा पाउडर, अमचूर और चाट मसाला। इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लो। ये अच्छी तरह मैश हो गए हैं। अब इसको हमने हल्का सा हाथ पर रिफाइंड लगाकर इसको हमने रोल करने है। ये रोल अपने ऊपर है, किसी भी साइज के आप कर सकते हो। अब इसके ऊपर हमने पनीर बीच में स्टफ कर रहे हैं। आप वो चीज भी कर सकते हो, चीज कर लो चाहे आप पनीर कर लो। इस तरह से रोल बनाना है। इसको पनीर को स्टफ करके इसको ऐसे बना लेंगे। साइज आप बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हो। इस तरह हम सारे बना लेंगे स्टफ करके पनीर। चाहे चीज भी कर सकते हो, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। दोनों में से कुछ भी कर लो। इस तरह सारे बना लेंगे। ये हमने मैदा लिया है। मैदे में थोड़ा सा पानी डालकर, सिर्फ मैदा है और मैदे में हमने आधा कटोरी मैदा लिया है। इसमें पानी डाल रही हूँ, पतला घोल बनाना है हमने। लम्स नहीं रहना चाहिए, अच्छे से घोल लो, बिल्कुल मिक्स हो जाए अच्छे से बिल्कुल। ये देखो इस तरह घोलने हमने, ये हमारा घोल चुका है। अब इसको हमने ये अपना कटलेट, ये हमारे कटलेट तैयार हो चुके हैं। इसके अपने डिप करना है। डिप करने के बाद ये ब्रेड क्रम में हमने कर देना है। ब्रेड क्रम में ना अच्छे से चारों तरफ से ब्रेड क्रम में लगा देंगे, लगाकर इसमें रख देंगे। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। इस तरह सारे बना, सारे हमारे बन गए हैं। अब हम इसको डीप फ्राई कर रहे हैं। तेल हमने गरम कर दिया, रिफाइंड गरम कर दिया, फिर इसमें डाल दिया। इसको हम ना पहले बनाकर भी रख सकते हैं। जैसे गेस्ट हमारे आने हैं, पहले बनाकर फ्रिज में रख दो, जब आएंगे इस पर निकाल कर फ्राई कर लो। इसे कोई बड़े अच्छे जल्दी बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर आप पहले हमने बनाकर रखे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर पांच छह मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। हो रहे हमारे, हमें को हम दो तीन मिनट, हम तीन मिनट के करीब हम कर रहे हैं इसको। फिर इसको उसको डाल देंगे।
खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, बनाने में कोई खास दिक्कत नहीं है, घर में सामान सारा निकल जाता है, सब्जी आजकल सर्दियां सब कुछ सामान मिल जाता है, अपने अच्छे से बना लो। अच्छा बच्चे तो चीज वाले ज्यादा खीसे खाते हैं, आप चीज भी डाल सकते हो पनीर की जगह, तो जैसे मैंने पनीर डाला आप चीज डाल लो। हमने लाइट ब्राउन करना है, ज्यादा नहीं करना है। ये हवाई हो चुके हैं, मैं निकाल रही हूँ। इसी तरह मैं सारे फ्राई कर लूंगी। हमारे रेडी हैं, अगर आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।